dear students, now let's come to the third experiment. That is to verify the law of series combination by using a meter base. The same apparatus, the same connection is already used in meter base to determine the resistance of a anode wire. Here is the connection. So here is the experiment number 3. To verify the law of series combination of resistance using a meter base. Theory we have already studied here. It is same according to Wilson bridge balance condition P by 2 full R upon S, then sigma into L. What is sigma? Is the resistance parallel length of the wire. Then XL comes out to be 100 minus L by L into R. So यहाँ पे हमने right gap में दो resistance series में जोड़ा. That is unknown resistance R1 that is of 10 ohms and another one is of unknown resistance that is of 20 ohms. अभी तो हमने पहले बाहर लिखा है इसके लिए बता के, अब उसके एग्जैक्ट वैल्यू आएगा नहीं आएगा हम उसको एक्सपेरिमेंट करके चेक करेगा. दोनों को सीरीज करना, तो सीरीज करने से पहले हम इसको एक एक रेजिस्टेंस पहले उसको मेजर करना. नाउ लेट्स सी द कनेक्शन. कनेक्शन ऑलरेडी हमने अभी कनेक्शन किया बैटरी के पॉजिटिव से ए पॉइंट, फिर लैब गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरा पॉइंट, फिर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से फिर जॉकी गया. फिर उसके बाद राइट गैप में हमने क्या लेना है, एक वायर. एक वायर लेके कहाँ पे जोड़ोगे, इसके जो वायर है जो रेजिस्टेंस बॉक्स की इस एनोड रेजिस्टेंस है इसकी एक पॉइंट में जोड़ना है. दूसरा कभी कनेक्शन करो. अभी हमने दोनों पॉइंट्स कनेक्शन हो गया, तो ये वाला पॉइंट इस स्क्रू में जोड़ेगा और ये वाला पॉइंट इस स्क्रू में जोड़ा जाएगा. Now see, from this C point it connects to the plug key, plug key से फिर battery का negative. दोबारा एक बार review कर लेते circuit diagram में जो है, पहले हमने R1, R2, पहले सिर्फ R1 को जोड़ा, R1 के बाद फिर next दूसरे resistance box, resistance को जोड़ेगा उसके बाद series में. First let us find out this reading. इसके reading के लिए कम से कम हमने दो observation लेने हैं, दो reading. तो now आप लोग ने ऑलरेडी थ्योरी में स्टडी कर रखा है द रेजिस्टेंस मीटर बेस पे सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है, व्हेन ऑल द फोर रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर. तो सेम ऑर्डर के लिए हम लगभग उसको 5 ओम्स निकालेंगे. 5 ओम्स, 5 ओम्स. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. आपके जो कि अभी आपने कहां पे टच करना है, ए पॉइंट से आप स्लाइड करते आओ, स्लाइड करते 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 गैल्वेनोमीटर पे स्विच का ध्यान रखना कहाँ पे स्विंग करे, और प्लस इसका जीरो पॉइंट अभी नो डिफ्लेक्शन है, अभी वो आगे निकल गई तो अभी हमें आगे नहीं निकलना. अभी हमने इसको कहाँ पे लाने, नल पॉइंट अभी इधर आ गए. नल पॉइंट कहाँ पे आ गए, 33.5 में आ गए, 33.5 आप उसको. तो नल पॉइंट 33.5 आने के बाद यहाँ पे देखो वन, ठीक है, 5 ohms, 33.5, 100 minus L, 66.5, the answer is comes out to be 9.92 ohms. अभी हम next, अभी हम कितना निकालेगा, 10 ohms निकालेगा. 10 ohms निकालने के बाद तो सबसे ज्यादा sensitive कहाँ पे होता है, लगभग 10 ohms है तो 50 भी आना चाहिए लगभग. हमने अभी इसको स्लाइड किया, स्लाइड करते करते नल पॉइंट आ गए. तो नल पॉइंट अभी कहां पे आया, 50 पे आ गया. तो 50
That means 10 ohms, 50, 100 minus 50, 10 ohms आ गया. इसका मतलब आप इन दोनों को मिन लेने हैं, 9.92 और 10 ohms का आपको ohm क्या होगा, इसका मिन लेने के बाद इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में क्या करोगे, आप ये दूसरे वायर को जोड़ें. Now let's see, let's connect the next resistance. ये वाला जो resistance unknown को हम उसको connection करोगे. बस इसको रखो, रखने के बाद ये connection कर लें. बहुत simple way में. अभी हमने ये connection किया. नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट रीडिंग है हम उसको चेक करेगा. ओके लेट्स स्टार्ट रीडिंग. आपके जो कि अभी आपने कहाँ पे टच करना है, ए पॉइंट से आप स्लाइड करते आओ. स्लाइड करते 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 गलबर मीटर पे स्विंग कर, ध्यान रखना कहाँ पे स्विंग करे, और प्लस इसका जीरो पॉइंट अभी दोनों रिफ्लेक्शन अभी वो आगे निकल गई. तो अभी हमने आगे नहीं निकलना, अभी हमने इसको कहाँ पे लाने, नल पॉइंट. अभी इधर आ गए नल पॉइंट, कहाँ पे आ गए, 33.5 में आ गए, 33.5. आप उसको तो नल पॉइंट 33.5 आने के बाद यहाँ पे देखो 1, ठीक है, 5 ohms, 33.5, 100 माइनस एल 66.5. द आंसर इज कम्स आउट टू बी 9.92 ohms. अभी हम नेक्स्ट हम करेगा 10 ohms निकालेगा. 10 ohms निकालने के बाद तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कहाँ पे होता है, लगभग 10 ohms है तो 50 पे आना चाहिए लगभग. हमने अभी इसको स्लाइड किया, स्लाइड करते करते तो नल पॉइंट अभी कहां पे आया, 50 पे आ गया. तो 50 दैट मींस 10 ohms, 50, 100 माइनस 50, 10 ohms आ गया. इसका मतलब आप इन दोनों को मिन लेने हैं, 9.92 और 10 ohms का आपको ohm क्या होगा, इसका मिन लेने के बाद इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में क्या करोगे, आप ये दूसरे वायर को जोड़ लें. नाउ लेट्स सी, लेट्स कनेक्ट द नेक्स्ट रेजिस्टेंस. ये वाला जो रेजिस्टेंस अननोन को हम उसको कनेक्शन करोगे. बस इसको रखो, रखने के बाद ये कनेक्शन कर लें. बहुत सिंपल वे में. अभी हमने ये करेक्शन किया. नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट रीडिंग है हम उसको चेक करेगा. पॉइंट गैल्वेनोमीटर की सुई लेफ्ट साइड में आ गई, मींस रेजिस्टेंस इस तरफ जा रहा है. आप उसको लेंथ बढ़ते जाओ, लेंथ बढ़ाओ. अभी हमने ओके लेट्स स्टार्ट टेकिंग द ऑब्जर्वेशन. हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने कितना ओम्स निकाला, 15 ओम्स, 10 प्लस 5 दैट इज 15 ओम्स. 15 ओम्स निकालने के बाद आप इसको ए पॉइंट से धीरे धीरे वायर के ऊपर स्लाइड करते हुए लेके आने, लेके आने. आप उसका जो रिफ्लेक्शन है नल पॉइंट अभी नहीं है, नल पॉइंट आ गए 41.5. देखो 41.5 दैट इज 58.5. द आंसर इज कम अप टू बी 21.15. ये सब कहां से आया, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ये आप लोग पता है
फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, अभी हमने 20 ओम्स निकाले, 20 ओम्स का मतलब डायरेक्ट आप उसको 20, तो बाहर भी अभी मार्क क्या 20, तो लगभग उसको 50 सेंटीमीटर में मिलने चाहिए। एकदम स्विंग हो गए, नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हमने काउंट किया यहाँ से, तो 50, 100 माइनस 50 आप नीचे वाला रीडिंग भी ले सकते हैं। तो 50 आने के बाद 50, 100 माइनस 50 20 ओम्स आ गए। फिर उसके बाद आप उसको आप रेंज से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आर वन का मीन 9.92 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 9.96, दूसरे का 21.15 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 20.57। बट थ्योरेटिकली दोनों को आप सीरीज में जोड़ दो, सीरीज में जोड़ने के बाद क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू 9.96 प्लस 20.57, द आंसर इज कम्स आउट टू बी 30.53 ओम्स। तो अभी हमने तो ये थ्योरेटिकली बताया, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, दोनों को अभी सीरीज में जोड़ो। सीरीज में जोड़ने के लिए आप इसको अभी हम सीरीज पे कैसे कनेक्शन करोगे, आर वन आर टू दोनों सीरीज नेक्स्ट टू नेक्स्ट कनेक्शन करके आ गई, उसको राइट गेम में जोड़ दिया, तो आपको यहां पर भी शो किया आर वन आर टू ही। तो देट मीन्स आपका जो अभी हमने थ्योरेटिकली हमने निकाला लगभग 30 है, तो 30 के आसपास हमने ये नल को निकालेंगे तो क्या होगा, नॉन रेजिस्टेंस से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मिलेगा। तो अभी हम निकालेगा 15 ओम्स निकाल दिया। तो 15 ओम्स निकालने के बाद हमने नल को निकालेंगे, चेक करेगा, आंसर इज कम आउट टू बी 29। तो नल पॉइंट कहां पे आ गई, 29। तो आप कैलकुलेशन भी चेक करो, 15 ओम्स 29 तो 71, 36.72 ओम्स। तो यहां पे कितना दिखाई दिया, 30.53, काफी डिफरेंस आ गए। थ्योरेटिकली जोड़ा और दोनों सीरीज जोड़ने के बाद काफी अंतर आ गए। फिर नेक्स्ट लेट्स टेक 16 ओम्स, 15 से एक 1 ओम निकालो, दैट इज 16 ओम्स। अगेन अलोंग टू दिस वी, एकदम 0 पॉइंट आ गए, 30.5 मेन नल पॉइंट आ गए। 30.5 चेक करो, 30.5 दैट इज 100 माइनस 69.5, अगेन इट कम्स आउट टू बी 36.45 ओम्स। अभी हम निकालेगा 17 ओम्स 17, 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17 ओम्स, 17 ओम्स इसके नल पॉइंट आगे 32.5 के आसपास, 32.5 मीन्स 67.5, द आंसर इज कम्स आउट टू बी 35.79 ओम्स। अभी हम निकालेगा 18 ओम्स, तो अगेन 10 15 16 17 18 ओम्स, तो
18 ohms in. इतने बड़ा इसका मतलब 33.8 के ओम्स में आ सके, 33.8 बहुत क्लोज वैल्यू है, 33.8 32.5 उसके आसपास ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, 33.8 66.2 द आंसर इस कम्स आउट टू बी 35.57 तो लगभग सब सेम आ रहे हैं, रेजिस्टेंस भरते भरते इसे कम आ रहे हैं। नाउ लेट्स कम 20 ओम, तो डायरेक्ट आप उसको 20 ओम निकाल सकते हैं, 20 ओम। आपका आंसर आ गया 37, 63, तो कितना गया 34.05। तो देखें द मीन ऑफ दिस फाइव ऑफ द डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5, तो 500 को ऐड करो डिवाइड बाय 5 द आंसर इस कम्स आउट टू बी 35.716 ओम्स। थ्योरेटिकली जो पहले सिंगल सिंगल जोड़ने के बाद आंसर क्या आया था 30.53, तो लगभग एरर्स 5 ओम्स की लगभग समथिंग आ रही, 5 point something। तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस, दैट मींस द एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड।